हमारे यूट्यूब चैनल एकता समाचार को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल के बटन को दबाए और हमारी नई नई खबरें देखें। धन्यवाद। कोर्ट केवल पत्रावली देखता है, गवाहों को देखता है और उसकी पैरवी भी करने वाला सरकारी वकील होता है निचली कोर्टों में, और हाई कोर्ट के अंदर जो सरकार अपना वकील नियुक्त करती है, गवर्नमेंट एडवोकेट है, एडिशनल एडवोकेट जनरल है, वो इस पत्रावली के संयोजक होते हैं। और उस पत्रावली में अगर किसी प्रकार की कमियां रह गई है तो उसकी पूर्ति करने का सरकार को निर्देश देने का पावर उनके पास है, जो इस पत्रावली में नहीं किया गया है। राजस्थान की पूरी जनता जानती है कि निचली कोर्ट ने जब इन लोगों को फांसी दे दी थी, अपराधियों को, और हाई कोर्ट द्वारा उनको बरी कर दिया गया। हालांकि हम हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस प्रकार की प्रक्रिया धुलमुल नीति के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर और पैरवी जो कमजोर की गई उसकी हम भर्त्सना करते हैं। और आज अगर पैरवी अगर उसकी सही नहीं की होती तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने स्वयं माना उस डबल एजी को बर्खास्त कर दिया, तो सरकार ने खुद ने इस जुर्म को स्वीकार किया है, जिसकी सजा आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता इस अशोक गहलोत की सरकार को उकाट फेंकने में हमें सहयोग देगी। जय हिंद, जय भारत।